एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो मेरे वाइफ चला रहे थे अकेडमी 17 में, 20 में ऐसा लगा, 18 में ही हमने यूट्यूब शुरू कर दी थी, मतलब यूट्यूब चैनल। एक्चुअली उसके पीछे का कोई पर्पज ऐसा नहीं था कि फ्यूचर में हम लाइव कोर्सेज भी लाएंगे। तो सर कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने ऑफलाइन बच्चों को साथ में पढ़ा ले और लाइव बच्चों वाले बच्चों को भी साथ में पढ़ा ले, दोनों साथ में टीचिंग हो पाए? अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते हैं तो आप बहुत लॉस कर रहे हैं, वो सही है सर। इसीलिए तो मैं ये हमारा ऑनलाइन सेटअप अलग है, ऑफलाइन सेटअप अलग है, फिर भी वहाँ पे ऑफलाइन जहाँ पे है वहाँ पे भी हमने हाइब्रिड बना दिया उसको सर। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं हाइब्रिड होना चाहिए, अगर आप प्योर ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो सही सेटअप करके आप लाइव जाइए, लाइव जा सकते। टीचर्स टॉक की सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी टीचिंग की जर्नी की शुरुआत दो स्टूडेंट से 1-to-1 पढ़ाकर करी, फिर उन्होंने खुद एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्क किया, धीरे धीरे डिपार्टमेंट से उनका अलग अलग प्रमोशन लेवल पे काम किया, उसके बाद शुरुआत करी 1-to-1 कोचिंग और एक नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग की, एंड जैसे इंडस्ट्री की नीड थी लाइव आने की। जी हाँ, आज मैं महेश सर के साथ में हूँ और सर आपके खुद के ऑफिस में आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। एंड ज्ञान लाइफ, यस सर, एक ऐसे ब्रांड को मैं देख रहा हूँ और आपकी जब मैंने स्टोरी को और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मुझे ऐसा लगा कि आज ऐसे बहुत सारे यंग टीचर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, तो सर प्लीज आप एक बार, जो मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों में ये एक इंट्रोडक्शन दिया है सर, इसको आप रियलिटी में आपने कैसे इसको पूरा अचीव किया प्लीज बताएं सर। मैंने पढ़ाने की शुरुआत सर बहुत पहले कर दी थी 2000 में। ओके, व्हेन आई वाज स्टडिंग, ओके, आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन, एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स विदाउट चार्जिंग एनी फीस। ओह ग्रेट। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद घर पे ही ट्यूशन शुरू किए थे सर, तब मैं स्कूल गोइंग बच्चों को पढ़ा रहा था। 2011 में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टेट की एग्जाम पास की, गुजरात में 7th रैंक के साथ पास की थी। ओके। और जहाँ पे मैं रहता था उसके सामने जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब शुरू की, उसके साथ भी मैं इंग्लिश मीडियम के ट्यूशन वगैरह चला रहा था। फिर 2012 में हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहा, हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाया, 5-6 महीने वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद जीपीएससी की एग्जाम हमारी आती है ऑफिसर बनने के लिए, ट्रांसलेटर की एग्जाम आई थी, उस एग्जाम में मैंने गुजरात में 1st रैंक से वो एग्जाम को पास किया। Great. पास करने के बाद मैं मूव हो गया फ्रॉम सुरेंद्रनगर टू गांधीनगर। सुरेंद्रनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ओके, तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमें बड़ा मंच मिलता है, इनिशियली मैंने बिगनिंग की थी मेरे गाँव से, जो एक सब डिस्ट्रिक्ट है, लखतर तालुका है, वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था सर। फिर मूव हुआ मैं सुरेंद्रनगर, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, उससे पहले मैं सुरेंद्रनगर आ गया था, तो जितना बड़ा मंच मिलेगा उतना हमारा ग्रोथ ज्यादा होगा सर। तो फिर गांधीनगर आया, गांधीनगर आने के बाद अलग अलग एकेडमीज में मैं एज अ फैकल्टी बनाने जाता था। ओके, 17 में ऐसा लगा कि सभी एकेडमीज में ऐसा होता था कि पढ़ाने के लिए लिमिटेड अवर्स दिए जाते थे कि आपको इंग्लिश पूरा करना है इन 28 अवर्स, इन 14 लेक्चर्स ऑफ 2 अवर्स ईच। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना है, जितना जी चाहे फैकल्टी को उतना पढ़ाए, लेकिन बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, बीच में बातचीत, बिन जरूरी बातचीत नहीं होनी चाहिए, यूजलेस टॉक नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी अकेडमी शुरू की 2017 में। एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो मेरे वाइफ चला रहे थे अकेडमी 17 में, 20 में ऐसा लगा, 18 में ही हमने YouTube शुरू कर दी थी, हमारी YouTube चैनल। एक्चुअली उसके पीछे का कोई पर्पज ऐसा नहीं था कि फ्यूचर में हम लाइव कोर्सेज भी लाएंगे, लेकिन बच्चों, बच्चा जो इंटीरियर रहता है उनको गांधीनगर में कैसे पढ़ाया जाता है, क्लास में कैसे टीचिंग होती है, तो हम उस वक्त ऐसा करते थे सर, क्लास में जो पढ़ाते हैं लेक्चर शुरू है तो ये विनय भाई उस वक्त हमारे कैमरामैन थे, एक DSLR हमने ला के रखा था, अच्छा, तो क्लासरूम में हम रिकॉर्ड कर लेते थे पूरा लेक्चर, और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद उसको यूट्यूब पर डाल देते थे, पूरा तो बच्चों का ज्यादा वहां से प्यार मिलने लगा, हमारे सब्सक्राइबर ग्रो होने लगे, उनकी डिमांड थी कि सर कुछ आप ऑनलाइन कोर्स लेके आइए। तो फिर 2020 में हमने ऐसा तय किया, मैं, मेरे साथ मेरे यंग ब्रदर है चेतन पटेल सर, वो भी गवर्नमेंट अफसर थे, वहां से उन्होंने रिजाइन मार के ये ज्ञान लाइव चला रहे। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की 2013 टू 22,
22 में मैंने रिजाइन किया, चेतन सर ने भी रिजाइन किया और हमारे साथ तीसरे 17 बैठे सर, उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया है और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अभी बना रहे हैं गुजरात में। सर तो गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके प्राइवेट सेक्टर में आना आसान रहा? डेफिनेटली आसान है सर। इसमें क्या है, मैंने जैसे इनिशियली बोला कि अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए तो कुछ ये जो हमारी बाउंड्रीज है ना उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। ओके। जब लखतर से मैं सुरेंद्रनगर गया ना उस वक्त भी मुझे बहुत से लोग ऐसे बोलते थे लखतर में, मेरे जो फ्रेंड्स थे, तेरा यहाँ सही ढंग से चल रहा है, क्यों सुरेंद्रनगर जा रहा है? तो मैंने बोला कुछ बड़ा करना है, सुरेंद्रनगर जा रहा हूँ। सुरेंद्रनगर से मैं जब गांधीनगर आया उस वक्त भी ऐसा था सर, सुरेंद्रनगर में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, ऐसी ही जॉब मुझे यहाँ पे मिली थी गांधीनगर में, और वहां पर मंथ अराउंड 1,00,000 रुपीज की मुझे ट्यूशन की इनकम थी, इंग्लिश मीडियम के ट्यूशन की इन 2013। तो मेरे दो तीन दोस्त तो ऐसे थे जो बोल रहे थे तू गलत डिसीजन ले रहा है। मैंने उनको बोला था 2 साल लगेंगे दोस्त, 2 साल के बाद मुझे गांधीनगर मिलने आना, कुछ बड़ा हो जाएगा। अरे क्या वो बोल रहे थे क्या करेगा? मैंने बोला कुछ भी करूंगा लेकिन कुछ तो करूंगा, मैं जाके बैठूंगा नहीं। फिर यहाँ आके पढ़ाना शुरू किया सर। वो वहां से सर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला था अभी बीच में, सुना कि एक लिमिटेशन थी जब आप किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहे थे जहां पे आपको एक 20 घंटे 25 घंटे एक लिमिटेड आवर्स दिए जाते थे, तो क्या महेश सर अपनी कोचिंग में दूसरी फैकल्टीज को फ्रीडम दे रहे हैं कि आप वो फुल फ्लेश पढ़ाइए? डेफिनेटली सर, जब फैकल्टी आते हैं उस वक्त मैं पूछता हूँ सर कि मान लीजिए कोई फैकल्टी सपोज कोई एक सब्जेक्ट के लिए आता है, मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूँ सर कितने घंटे चाहिए? वो बोलते हैं कि सर 16 lectures of 2 hours 32 hours चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सर 34 दूंगा मैं, आराम से पढ़ाइएगा, बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं जब पढ़ाता हूँ ना सर तो पढ़ाना चीज ही ऐसी है सर कि बच्चे हमारे पास पढ़ने क्यों आते हैं, हम तो कम्पिटेटिव गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, तो बच्चे ने पढ़ा तो है ही पहले सर, लेकिन अब बच्चा क्यों बीपीए कर रहा है उसके डाउट सॉल्व होने के लिए, इसीलिए तो हम लाइव ही चला रहे हैं सर, कभी हम रिकॉर्डेड कोर्सेज में नहीं जाते। ज्ञान लाइव का नाम इसलिए हमने ज्ञान लाइव रखा, लाइव पूरा लाइव ही है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन गुजरात दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ अवर कोर्सेज लाइव। बहुत से इंस्टीट्यूट बहुत से है सर, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड वी फोकस ऑन लाइव कोर्सेज मैक्सिमम। कुछ खबर होता है ऐसे कि एग्जाम के दिन बहुत कम है तो हम रिकॉर्डेड कोर्स दे दे, बाकी हम रिकॉर्डेड कोर्स नहीं देते, लाइव ही पढ़ाते हैं। तो लाइव सर आप बहुत सारे टीचर्स आपको देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, तो लाइव क्यों जाना चाहिए टीचर्स को, उसके क्या फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ कोचिंग ग्रोथ और एज अ पर्सनल टीचर की ग्रोथ में क्या फायदे है सर लाइव जाने के? एक्चुअली सर हमारे फायदे के अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों को फायदा है सर, जो प्रिपरेशन करे ना उसको फायदा है सर। सबसे अच्छा ऑफलाइन है सर, उसका ऑप्शन ढूंढना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता कोई बच्चा, मान लीजिए कि हम गुजरात में सर, हमारा नाम इतना बड़ा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बच्चा गुजरात के इंटीरियर एरिया में रहता है उसको अच्छे एजुकेटर के पास पढ़ना है। करेक्ट। तो रिकॉर्डेड कोर्स तो दे देंगे सर एक बार, वो कोर्स में कोर्स वो देख रहा है, अगर रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा है उसके बीच में उसे कुछ डाउट हुआ है उसको क्वेश्चन पूछना है सर, तो लाइव लेक्चर होगा ना तो उस क्वेश्चन से वो चैट के माध्यम से तभी पूछ सकेगा कि सर ये जरा फिर से एक्सप्लेन कीजिए या प्लीज सर गिव वन मोर एग्जाम्पल देन वी कैन प्रोवाइड। रिकॉर्डेड में क्या होता है सर, रिकॉर्डेड में ऐसा भी हो सकता है कि फैकल्टी एक्चुअली क्वाइट कैपेबल नहीं होता है, वो पीपीटी में कुछ लेके आया है पढ़ा दिया समझा दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया किसे पूछेगा वो। और लाइव में क्या बेनिफिट होता है सर, अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि उनको लाइव पढ़ना चाहिए, लाइव के बहुत से फायदे हैं सर रिकॉर्डेड के मुकाबले। रिकॉर्डेड में क्या होता है, जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो रिकॉर्डेड कोर्स में सब कुछ मिल गया उसे, मान लीजिए उसमें 500 वीडियोस है लेकिन उसके पास मैनेजमेंट नहीं है कि कौन सा वीडियो कब देखना है, तो वो रेगुलर नहीं रहेगा सर। लाइव में क्या होता है, हम हर दिन 2 घंटे या 4 घंटे लाइव पढ़ाते हैं और हर दिन टेस्ट लेते हैं सर। ओके। तो उनको पता ही है कि मेरा लेक्चर 8 बजे शुरू होने वाला है, तो घर पे भी उनके पेरेंट्स को भी पता है, अगर वाइफ ने एडमिशन लिया है तो हस्बैंड को पता है, हस्बैंड ने एडमिशन लिया तो वाइफ को भी पता है आपका लेक्चर शुरू होने वाला है, बैठ जाइए आप, तो वो रेगुलर रहते हैं सर। तो सर वो जो लाइव लेक्चर जो रिकॉर्डेड के फॉर्म में बच्चे को फिर से मिलते हैं कि आप उसको हटवाते हैं? यस सर डेफिनेटली मिलते हैं सर, हम तो ऐसा करते हैं सर, हमारे सभी कोर्सेज ऐसे होते हैं कि पहले पूरा कोर्स रिकॉर्डेड तो उनको फ्री में देते हैं, इसलिए हमने ऐसा शेड्यूल बना के रखा होता है बच्चों को, मैं बोलता हूँ कि पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, फिर मैं आपको लाइव पढ़ाने आऊंगा, फिर लाइव वाला आप रिकॉर्डेड भी देख लीजिए, फिर उसके हम मटेरियल देते हैं सर, बुक्स देते हैं, उसमें से आप वो चैप्टर सॉल्व कर लीजिए, फिर उस चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो देख लीजिए, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन होता है हर एक टॉपिक का,
यानी बच्चा अगर आ गया है इसमें, इस लाइन से ही, हमारी लाइन से ही पसार होगा तो वो गवर्नमेंट जॉब लेके जाएगा। सर आप एक सीनियर टीचर है, कई साल से टीचिंग कर रहे हैं, आज मैं ऐसे कई टीचर से मिलता हूँ जिनको ऑनलाइन का अडॉप्शन इतना इजी नहीं आ रहा है, काफी अच्छे टीचर है पर ऑनलाइन अडॉप्शन नहीं है। तो सर क्या आपने क्या ऐसा सोचा और आपके माइंड में क्या चल रहा था कि आप ऑनलाइन को बिल्कुल सिक्वेंशियल अडॉप्शन कर रहे हो? मैं आपके स्टूडियोज देखे, आपकी विजन देखे टूवर्ड्स ऑनलाइन एंड मार्केटिंग एंड ऑल, तो सर क्या आपको क्या था, मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी और क्या सोच थी कि आप इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए? एक्चुअली सर क्या था कि जब हमने, मैंने आपको जैसे बताया कि 2017 में ऑफलाइन ज्ञान अकेडमी शुरू की, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे लेक्चर बच्चों को एटलीस्ट यूट्यूब पे दिखने चाहिए, तो हमने ये ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखने शुरू किए। और ये जो हमारा पूरा लेक्चर, हम जो ऑफलाइन क्लास में बढ़ा अराउंड 2 आवर्स एक लेक्चर होता है सर, तो वो लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करके रखने के बाद बच्चों को, पूरे गुजरात के बच्चों को हमारी टीचिंग स्टाइल का पता चल गया। जो बच्चा ऑफलाइन किसी और क्लास में जाता था उसको पता चल गया कि आर्टिकल ऐसे तो वहां पे नहीं पढ़ाए थे, उनका मटेरियल भी ऐसा नहीं है, इस लेक्चर में तो यूट्यूब में बहुत बढ़िया पढ़ाया है, तो वहां से ज्यादा प्यार मिलना बच्चों का शुरू हो गया। तो हमने सोचा कि चलो ऑनलाइन भी क्लास शुरू करते हैं, बच्चे कमेंट्स भी ऐसे करने लगे कि आप ऑनलाइन लेके आओ। जब सर ऑनलाइन शुरू किया ना, उस वक्त इतना बड़ा विजन नहीं था, ऐसा सोच के शुरू किया था चलो गुजरात के सभी बच्चों को जैसे कोशिश है वो, हम ऑफलाइन तो चला ही रहे, ऑनलाइन भी देंगे। जो बच्चा ऐसा चाहता है कि गुजरात के कोई एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सही ढंग से ऑफलाइन नहीं मिल सकता है, या मिलता है तो हमारे जैसे फैकल्टीज नहीं मिल रही, वो सोचता है कि गांधीनगर पढ़ने जाना है लेकिन ये एक्सपेंसिव है, तो उसको लाइव ही देते हैं। तो लाइव मिलने से वो क्या रेगुलर वहां पे रहेगा, उसको जैसा यहाँ गांधीनगर में हम ऑफलाइन में पढ़ाते वैसे ही उसके घर पे जाके हम पढ़ाएंगे, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो फिर ये लाइव शुरू कर दिया सर। नहीं बट ये थॉट आया कि मतलब सर क्या होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे एक सर्टन एज के बाद में आप एडॉप्शन करना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे इसमें क्या होता है सर, मेंटालिटी होती है, आप ब्रॉड मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत से टीचर को मैंने देखा है सर, मैं भी टीचर के साथ काम कर रहा हूँ, तो टीचर की मेंटालिटी क्या होती है, मेरा कंटेंट वो ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो सेफ है, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मेरा कंटेंट लीक हो जाएगा। सर हम कंटेंट लेके पैदा नहीं होते हैं। मैंने कंटेंट जो मेरा बनाया है तो कहीं से मैंने भी अडॉप्ट किया है ना सर, मैंने कहीं से लिया है, यहाँ पे सही है, अच्छा है, रेनन मार्टिन पढ़ी, वहां से पॉइंट्स अच्छे हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो वो बोलता हूँ ये रेनन मार्टिन से लिया है। तो वैसे हमारा कंटेंट होता नहीं, हमारी स्टाइल होती है सर, हर एक टीचर की स्टाइल होती है, और टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि ये स्टाइल लीक हो जाएगी, लीक हो जाने से ही आप फेमस होंगे सर, करेक्ट, उनको पता नहीं होता है कि वो सेफ रखना चाहते हैं, उसको सेफ नहीं रखना है, उसको बांटो, बच्चों के साथ बांटो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ सर कि जो हमारे गुजरात के इंग्लिश टीचर है उनको अगर कहीं पे दिक्कत है, फैकल्टीज को दिक्कत है, देन आई एम रेडी टू हेल्प देम विदाउट टेलिंग एनीबॉडी दैट आई हैव हेल्प्ड समवन। ग्रेट। उससे क्या होगा सर कि वो जब बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो बच्चों को जहां पे वो पढ़ाने में गलती करता है वो गलती की मेरे साथ डिस्कशन कर लेगा, तो वहां पे गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा तो आफ्टर ऑल गुजरात के बच्चों को बेनिफिट होने वाला है सर। तो आप अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं तो क्या होगा, आप अभी ऑफलाइन है तो आपका सर्विंग एरिया लिमिटेड है सर, ऑनलाइन जाएंगे देन स्काई इज द लिमिट। हमने शुरुआत की थी अराउंड 400 स्क्वायर फीट के एक छोटे से रूम से, जिसमें एक छोटा सा स्टूडियो था और 3-4 स्टाफ मेंबर बैठ सकते थे, ये सब आइडियाज है ना। वैसे मैं अकेला अगर ऑफलाइन चला रहा हुआ था और गवर्नमेंट जॉब चालू होती तो नहीं आते सर, मैं यहाँ पे था और चेतन सर का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, चेतन सर यहाँ पे आए, चेतन सर मेरे छोटे भाई है, एज ए क्लास 2 उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई गुजरात सरकार में। तो मैंने सोचा अब दोनों भाई मिले हैं तो कुछ करेंगे, तो हम दोनों ने सोचा ऑनलाइन करते हैं। उसी वक्त तरुण सर हमारे यहाँ पे एज ए फैकल्टी पढ़ाने आते थे, मैथ्स के फैकल्टी थे, तो वो आइडियाज लेके आए सर रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, हम लाइव ही करते हैं। क्या उन्होंने मुझे बताई एक दो एप्लीकेशन, हमें तीनों को इंटरेस्ट बढ़ा, तो हम दिल्ली और बेंगलोर चले गए ये ऐप डेवलपर को मिलने के लिए, ऐप बना के चले ऑनलाइन सीधा शुरू। तो महेश सर ऐसा नहीं लगता आपको कि जब आप इंडिविजुअल कर रहे थे तब आप पूरे शेयर्स आपके थे, फिर मतलब एक टीचर की प्रवृत्ति और एक बिजनेस ओनर की प्रवृत्ति होती है कि शेयरिंग क्यों करें जब हम खुद ही कैपेबल है? तो इसमें क्या होता है, मैं अकेला मैनेज करता तो पूरा सही ढंग से मैनेज नहीं होता सर, बन नहीं पाता, और तीनों के आइडियाज होते हैं सर। मेरी भी कुछ कबर लिमिटेशन होती है, चेतन भाई की भी लिमिटेशन होती है, तरुण सर की भी लिमिटेशन होती है, लेकिन एक तरफ जो लिमिटेशन होती है बाकी दो में स्ट्रेंथ होती है, तीनों को मिला के तीन हाथ इकट्ठे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा काम होता है सर, एक्सपर्टाइज भी होती है इसमें। क्या हमारी एक्सपर्टाइज है सर
लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट मैं हूँ। इंग्लिश गुजराती की बात होगी तो मैं सही ढंग से बहुत बढ़िया पढ़ा दूंगा। जीके जब आता है तो चेतन सर का पैरेलल ढूंढना गुजरात में इट्स नॉट इजी। चेतन सर जीके बहुत सही ढंग से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और तरुण सर मैथ्स और रीजनिंग के एक्सपर्ट है। इसलिए हमारे ज्ञान लाइव का ग्रोथ होने का रीजन क्या है, तीनों के गवर्नमेंट जॉब के एक्सपीरियंसेस है, एक्सपीरियंसेस के अलावा तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और अभी भी हम पढ़ा रहे हैं। इवन वेल वी आर ग्रोइंग हायर एंड हायर, अदरवाइज वी आर रेडी टू टीच देम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। मतलब आपसे मुझे लगता है कि बात करना मतलब एक अपने आप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि महेश सर अगर 2024 में अपना फ्रेश कोचिंग स्टार्ट कर रहे होते तो कैसे करते, क्या थॉट होता और कैसे आप स्टेबल करने की कोशिश करते सर? सर अभी तो क्या होता है, अभी अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते हैं तो आप बहुत लॉस कर रहे हो, सही है सर। इसीलिए तो मैं ये हमारा ऑनलाइन सेटअप अलग है, ऑफलाइन सेटअप अलग है, फिर भी वहाँ पे ऑफलाइन जहाँ पे है वहाँ पे भी हमने हाइब्रिड बना दिया उसको सर। अभी तो मान लीजिए उसको हम ऑनलाइन के तौर पे दे नहीं रहे सर, लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन आता है उसको भी रिविजन करने के लिए कुछ चाहिए तो सर ने जो पढ़ाया वो सेम डे वो रिवाइज कर सकते। मतलब वो एब्सेंट है तो भी उसका लेक्चर मिस ना हो जाए सर। तो अभी अभी जो भी शुरू करेंगे सर, अभी शुरू करना है तो आप ये लास्ट वाले चार पाँच साल में आप नजर घुमा के आई है तो जो भी बड़े नाम हुए हैं सर ऑनलाइन में वो सब क्यों हुए है? तो एज दे वर टीचिंग ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो स्काई इज द लिमिट है। आप एक लेक्चर एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो उसको बहुत से बच्चे जितनी बार जब जी चाहे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन जाना ही चाहिए सर। अभी अभी शुरू करना है, मान लीजिए 2024 में शुरू करना है तो ड्यूअल वे में ही शुरू करना चाहिए, हाइब्रिड और हाइब्रिड होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं हाइब्रिड होना चाहिए, अगर आप प्योर ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो सही सेटअप करके आप लाइव जाइए, लाइव जा सकते। तो सर कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने ऑफलाइन बच्चों को साथ में पढ़ा ले और लाइव बच्चों वाले बच्चों को भी साथ में पढ़ा ले, दोनों साथ में टीचिंग हो पाए? सर हमारे जो हमारा सेटअप है ना उसमें इसलिए नहीं कर सकते हम सर कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, मेरी ऑनलाइन बैच होती है उसमें 200, 250, 2000 तक बच्चे होते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑफलाइन वाले बच्चे के साथ मैं उसको पढ़ाऊँ तो उनकी कमेंट्स ज्यादा होगी सर, तो ऑफलाइन वाले बच्चे को वो कंफर्टेबल जचेगा नहीं सर। करेक्ट करेक्ट। और अगर ऐसे जो टीचर्स है सर जिनके पास लिमिटेड स्ट्रेंथ है इन ड्यूअल मोड इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, देन दे शुड गो विद हाइब्रिड सेटअप। सो दैट ऑनलाइन में भी 5-25-50 बच्चे हैं तो उनमें से दो चार ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑफलाइन में भी 2-4 ऐसे होंगे तो उनको हाइब्रिड में जाना चाहिए जिनके पास दोनों जगह पे स्ट्रेंथ है। इसलिए वहां पे हमने सेटअप शुरू कर दिया है सर, लेकिन वो सेटअप ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑफलाइन है। ऑफलाइन। तो देखिए आप सब लोगों के लिए अक्षर मैं भी कहता हूँ कि हाइब्रिड सेटअप पे जाइए और एक कितने एक्सपीरियंस टीचर आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ा रहे हो तब भी आपको एक ऑप्शन अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को देना चाहिए रिकॉर्डिंग का, तो किसी की स्कूल किसी का मिस हो गया किसी रीजन से तो उसको मैनेज किया जा सकता है। उसमें क्या होता है सर वो वैसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं उनको वक्त नहीं निकाल सकूंगा, लेकिन मुझे मेरी ऑफलाइन बैच है तो ऑफलाइन बैच को बढ़ाना तो है ही सर, तो मैं पढ़ाता हूँ वही रिकॉर्ड हो जाए। तो जो बच्चा नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेगा, मान लीजिए कोई स्कूल गोइंग बच्चे इसके लिए ट्यूशन चला रहा है सर, तो उसने 8th का बच्चा अगले साल एडमिशन लेगा तो उसको लास्ट ईयर वाली 8th की सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड दे दीजिए तो पहले से मिल गई। करेक्ट। फिर लाइव पढ़ाइए, जो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनको तो पढ़ने को मिलेगा ही, उसका भी रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। तो आपका क्या होता है, आपके पास जो बच्चा आएगा ना उससे आप जो फीस ले रहे हैं ना उसका आप 100% रिटर्न दे सकेंगे सर। बिल्कुल सही। हम ज्ञान लाइव में एक ही बात पे, मैं अकेडमी में और लाइव में सर सभी एक ही चीज पे हम फोकस करते हैं कि बच्चा जब आता है ना उस दिन जितना खुश होता है ना उससे ज्यादा खुश वो लास्ट डे होना चाहिए। फीस पे करने के लिए जब आता है तब वो खुश होता है कि चलो मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, वो ही खुशी उसकी आखिरी दिन जो लास्ट डे उस दिन तक मेंटेन होनी चाहिए। सर ज्ञान लाइव अब लाइव हो चुका है, मतलब गुजरात में तो हर जगह लाइव ज्ञान लाइव है, सर गुजरात के अलावा कहीं एक्सपांशन की कोई प्लानिंग? सर अभी तक तो नहीं सोच के रखा है, लेकिन इसमें क्या है अगर गुजरात की लिमिटेशन को हम क्रॉस करना चाहते हैं तो आसपास वाले हमारे 3 स्टेट से एक दो बार हम तीनों पार्टनर्स ने मिलकर सोचा था चलो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में एंटर होते हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है सर। इन फ्यूचर इट इज क्वाइट पॉसिबल सर। मतलब पूरे तरीके से रेडी नहीं होंगे जब तक एंटर नहीं करेंगे? हाँ, वो क्या है सर अब
ये जो YouTube चैनल शुरू किया था उस वक्त भी ऐसा सोचा था सर, अगर फीस चार्ज करनी है 1 रुपया भी लेना है तो 1.5 रुपये का रिटर्न देने की तैयारी वो उसी वक्त एंटर होना है। तो वहाँ का भी कुछ अगर मिल गया, ऐसा सेटअप कुछ हो गया कि चलो महाराष्ट्र के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मराठी मीडियम में एंटर होना है, वहाँ MPSC में पढ़ाना है, तो उसके लिए अगर सही सेटअप मिल गया, सही मटेरियल है, हम जो भी कोर्स करते हैं सर उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, लाइव लेक्चर देते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, ये सब सेटअप है, हार्ड कॉपी में भी मटेरियल है, तब एंटर हो गया वहाँ। सर इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे कर रहे हैं आप सर? Yes, we are 3 सर। स्टूडियोज है, फैकल्टीज है, उसको मैनेज मैसर कर लेंगे, टेलीकॉलिंग है और स्टाफ है उसको मैनेज तरुण सर कर लेंगे, चेतन सर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे काम करेंगे, ऐसे डिबेट कर लेंगे। मतलब ज्यादा लोग होंगे तो एक्चुअल में ही बहुत ज्यादा नहीं है ना सर, स्टाफ तो इतना होना चाहिए। हमें जब शुरू किया था तो तब मैंने चेतन सर तरुण सर को बोला था कि एक पूरा फ्लोर हमारा होना चाहिए। 2020 में मैं ऐसा बोलता था और ये 22 में फुलफिल भी हो गया, हो भी गया, पहुंच गए वहां पे। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि आज आप सभी को और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर।